ये तस्वीरें रोहतक की हैं, जहां किसानों ने हरियाणा के पूर्व मंत्री व बीजेपी के कद्दावर नेता मनीष ग्रोवर के घर का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनके घर का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस द्वारा किसानों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों के गुस्से के आगे पुलिस प्रशासन की नहीं चली और किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अपना विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में पहुंचकर मनीष ग्रोवर के खिलाफ हल्ला बोला और मनीष ग्रोवर को कड़ी चेतावनी दी। वहीं पर हम विरोध कर रहे थे, गुंडे का, कुत्ते का, काले झंडे दिखा के पूर्व शांति से, और ये है ना ऐसे हाथ लगाड़ के, एक तो विनोद बहना और एक मनीष ग्रोवर, दो थे वो गाड़ी में, और भाई ऐसे हाथ करके गया, ऐसे तो कर दो मान जाओगे। वो भी बोला अगर मैंने देखा कोई ना, अरे उन्हें तो नुका दिया, कल उससे माफी मंगवाई है परसों, और आज इससे इसका हाथ कटेंगे। छोटा को नहीं, ये दुर्गा का अपमान करया है, गंदा है सारा करे ने, कमीन ने, नीच ने। अरे बेटा एक बार जन्म लेवा है, बेटा बेटा एक बार जन्म लिया, माँ चार बार जन्म लेवा है, इसको यह बेरा नहीं है। पहला बेटी बनती है, फिर बहू बनती है, फिर माँ बनती है, फिर दुर्गा बनती है। अरे हम चंडी बन गया, हम चंडी, और इसको दिखा देंगे आज इसका हाथ काटने, माफी मंगवा दिया हाथ काटने, समझ गया, हाथ काटेंगे इसके ऊपर। छोटा कोनी मारा बीच में आकर हम आओ माफी मांगा, जो हम मंजूर हम देंगे कि नहीं देंगे, गंदा सार करे हमारा कनी, इसका माँ को ना बहन को ना क्यों करी, अरे हम झूठा नहीं लगा दे, नेम करा हा नेम ले लियो हमारा कितने भी, अरे ऐसा कमीन ने माँ बहना के साथ, माँ के इज्जत के साथ खिलवाड़ करे ना, है सब मार बेटी सब एक से। हम धरने पर बैठे हुए थे और यो मनीष ग्रोवर असली हरकत करके गाड़ी से गंदी गंदे गंदे सारे औरतों की तरफ करके गए। आज इसने घर बीच में बलान आया, आज हम न्यू बुझन आया, अगर तू न्यू करया करे तेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गुंडे है ना गुंडे शरण पर बैठा के, और शरण पर बैठा के, और ये हमारी सुरक्षा इन पुलिस इन पुलिस वाले ना शर्म नहीं आंदी, सबसे सबसे गुंडे तो ये पुलिस आसन वाले हैं जो गुंडे की सुरक्षा कर रहे, इनका इनका घर में भी माँ भी होंगी बहन भी होंगी, किसान एक अपनी लड़ाई लड़ रहा है शांति से बैठा है, इनका बर्दाश्त नहीं हो रही, ये हमारी इज्जत बात गालन लग गए, ये भाभी ना छोड़ता कौन है, मारी मान सम्मान की लड़ाई बन गई, मारी इज्जत पान पड़ी, हम इसमें बीच में बुलाना चाह वहाँ बीच में माफी तो महाराज जी करेगा, वो करेंगे माफी देंगे, एक साल तो मारेंगे हम, वो तो फिर मारी वो तो मारी मर्जी है। देखिए पूरे देश को पता है कि बीजेपी के दो मुख्य नेता जो मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री है, विनोद बैना जो विधायक है हल्का, दो तीन दिन पहले हिसार के अंदर उन्होंने किसान महिलाओं की तरफ हाथ से अश्लील इशारा किया, जिसके विरोध में हम कल तो हंसी के अंदर गए थे, विनोद बैना का हमने विरोध किया था, उसने लोगों के बीच में आकर माफ़ी मांगी, अपनी गलती मांगी, और इसके बाद हम आज आए हैं रोहतक में मनीष ग्रोवर के घर के बाहर आए हैं, और उसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि लोगों के बीच में आकर लोगों का पेटा भरने का काम करें, क्योंकि ये सामाजिक तंत्र को तोड़ने का काम है, माँ बहनें मंत्रियों के भी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि मंत्रियों के माँ बहनें नहीं होती, इन्होंने अपने एक सामाजिक तंत्र को तोड़ने का काम किया है, इसलिए हम मनीष ग्रोवर से कहना चाहेंगे जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकले, ऐसे छिपने से काम नहीं चलेगा, दुनिया के किसी बिल में जाके बढ़ जाना, वहाँ से निकाल के ले आएंगे आपको, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई अभी, हम आधे घंटे समय देंगे उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। बता दें कि हिसार में गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और हांसी से भाजपा विधायक विनोद भयाना एक गाड़ी में सवार होकर गए थे, जिसके बाद किसानों ने भाजपा नेताओं का विरोध करने के लिए काले झंडे दिखाए। उस विरोध प्रदर्शन के पश्चात किसानों ने आरोप लगाया कि विनोद भयाना और एक अन्य नेता ने आंदोलनकारी महिला किसानों की ओर अश्लील इशारे किए। उसके बाद किसानों की एक पंचायत हुई, जिसमें विनोद भयाना ने पहुंचकर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके साथ पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर थे। इसके बाद किसानों ने फैसला ले लिया कि मनीष ग्रोवर के आवास का घेराव कर उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे और मनीष ग्रोवर को किसानों के बीच आकर माफी मांगनी होगी।
हालांकि मनीष ग्रोवर ने बयान जारी करते हुए बढ़ते मामले को लेकर किसानों से माफी मांग ली है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।